जय श्री राम लिखा ले लख जय श्री राम। अरे भैया ऐसे नहीं होता। रतनलाल का हाथ काटा था ना, गोली मार दी थी रतनलाल को ही। दिल्ली में शाहीन बाग का जब दंगा हुआ था तब कौन सा बजरंग दल का कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गया था। ये सब एक समुदाय से शुरुआत होती है। हिंदू पहले तलवार नहीं उठाता है कि हम सबो को मोदी को हटाना है, सब एक हो जाएं। भाई जब कुत्ते बिल्ली सुअर एक जगह खड़े होंगे तो दूसरी जगह तो शेर ही होगा ना। एक सवाल, आपने यूपी में सवाल खड़े करें कि योगी जी रोक लगाते हैं हर चीज पे, लेकिन वहीं आपने देखा होगा कि अभी रामनवमी पे तमाम राज्यों में दंगे हुए थे। बिहार में दंगे, वहाँ बीजेपी नहीं है। बंगाल में हिंसा हुई, वहाँ बीजेपी नहीं है। तो क्या कारण है कि यूपी में हिंसा नहीं हुई है? भैया मैं वही बता रहा हूँ, यूपी में भी हुई है। कहाँ हुई है? सोते रहते हो यार, यूपी में भी हुई है। देखिए आस्था अपनी जगह, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भक्ति क्या आप तलवार लेकर भक्ति करोगे? डंडा लेकर कौन ले जाता तलवार? अरे आप यार फिर मुझसे सवाल करोगे? तुम नहीं देखते मीडिया वाले? हमारा काम है सवाल करना सर, हमारा काम। आपको नहीं पता, खुले हाथ मन से डंडा लेकर नहीं है। अरे भैया भगवान है, भगवान के तरीके से उनको आस्था बनाए रहने दो। जय श्री राम लिखा ली लट जय श्री राम। अरे भैया ऐसे नहीं होता। क्या दिक्कत क्या है सर, जय श्री राम के नारे लगाने से या शोभा यात्रा निकालने से क्या दिक्कत है? हम नारे को मना नहीं कर रहे, जय श्री राम बोलते लट बाहर, तलवार बाहर। अरे भैया ऐसे क्यों कर रहे हो? ये देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से चल रहा है, लट से तलवार थोड़ी चलेगा। ये देश ये चल रहा है देश में आज किसी ने नहीं वायरल हुई कि कोई तलवार लेके जा रहा है। आराम से जो है शोभा यात्रा निकालते हैं, पत्थरबाजी हो जाती है, दंगे हो जाते हैं बंगाल में, वहां तो कोई तलवारें नहीं निकाल रहा था। अब ऐसा करो मैं तुम्हारे घर पर जाकर नहीं अभी लटपटाई कर दूं, तुम कब तक बाहर नहीं निकलोगे? कब तक नहीं निकलोगे? आर की बात अलग है, लेकिन एरिया में क्या ये सही है कि इलाके बटे हुए हैं? सर सवाल मेरा ये है, क्या ये सही है कि इलाके बटे हुए हैं? ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ से हिंदू नहीं गुजर सकते, ये हिंदू इलाका है, यहाँ से मुस्लिम नहीं गुजर सकते, ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? उनकी मस्जिद पर चढ़ के नहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं। चढ़ा सर? कोई नहीं चढ़ता। बंगाल का नहीं देखा आपने? बंगाल का नहीं देखा क्या? आप कहाँ थे यार? आप भाई मीडिया रिपोर्टर भाई, आप हो तो यूट्यूब चैनल वाले, लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी अपनी जो इसको जो उसको बढ़ाना पड़ेगा सर्किल को, ताकि आप अच्छी रिपोर्टिंग कर सको। आपको जानकारी नहीं है या आप जानबूझ के घुटला रहे हैं यार? ऐसा थोड़ी होता है, सब पता है। इनसे बात करेंगे, कह रहे हैं कि तलवारें लेकर चलते हैं इसलिए पत्थरबाजी होती है, इसलिए दंगे होते हैं। देखो तीन सवाल इनसे मैंने कर लिए, अभी तक जवाब नहीं दिया। चौथा सवाल ये है, ये मेरे को किसी भी एक भी जगह का नाम बता दें यूपी में। ये बंगाल की बात कर रहे थे ना, बंगाल की भी छोड़ दो, बंगाल की तो ऐसी ऐसी बात है जिसको तो ये कहेंगे फिर कहेंगे कि नहीं नहीं हिंदूवादी कट्टरपंथी कर रहे हैं। यूपी में एक भी जगह बताओ जहां रामनवमी, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती के दिन किसी भी बजरंग दल या आरएसएस के लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए डंडे निकाल दिए? एक भी बता दो मेरे को। नहीं, और दूसरे आप ही के समर्थक कह रहे नहीं निकाले आप? मैं तो वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। पलट रहे सर, आप पलट रहे। आपने कहा कि डंडे निकालते हैं, तलवारें निकालते हैं, आप पलट गए। मैं फिर वही बता रहा हूँ, जहाँ ये सत्ता में नहीं होते वहाँ हुड़दंग मचाते हैं, ताकि वहाँ की सरकार को अस्थिर किया जा सके। इनको ये मेन मकसद है कि वहाँ पर हुड़दंग मचाओ। अब से पहले गुजरात में सर बीजेपी, गुजरात में भी दंगे हुए सर, गुजरात में भी दंगे हुए हैं। गुजरात में तो बीजेपी है, आप कह रहे हैं कि जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ हुड़दंग करते हैं। गुजरात में क्या कारण है फिर हुड़दंग का? वहाँ तो इनकी सरकार है बीजेपी। तो उनके इलाके में घुसकर हर जगह एक ही कारण नहीं होता, हर जगह एक ही कारण होता है क्या? हर बीमारी की एक दवा होती है क्या? कुमार है सवा, आपने बोला कि जहां बीजेपी, आपने बोला जहां बीजेपी नहीं वहां हुड़दंग होता है, लेकिन गुजरात में बीजेपी है फिर भी हुड़दंग हुआ। जब उनके इलाके में जाओगे आप, जब उनके इलाके में जाओगे जिन इलाकों में वो लोग, क्यों कौन से हिंदुस्तान में जा रहे हैं? अब हिंदुस्तान में जा रहे हैं ना, ये हिंदुस्तान नहीं है उनका इलाका। क्या है सवाल, मैंने भी आपसे पूछा था कि क्या इलाके बांट देना कि ये मुस्लिम इलाका ये हिंदू इलाका, ये तो सही नहीं है ना। हिंदुस्तान हम सबका है, मुस्लिमों का भी है हिंदुओं का भी है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, आप किसी की मस्जिद के सामने खड़े होकर हुड़दंगबाजी करोगे, पत्थरबाजी करोगे, उनके मौलवी को जाकर गाल ठोकोगे, तो किसको शर्म नहीं आई? कोई इतने उसमें जी रहा है क्या? किसी की जबान में जी रहा हो क्या? कोई किसी के मान मर्यादा है या नहीं है? क्या करती मस्जिद पे जाके? आप पूरे तथ्य बेकर निकाल के पढ़ा करो। ये देखो उनको पता नहीं है, ये तो सिर्फ एक बात लिए बैठे हैं कि हम बीजेपी के, बीजेपी के रहेंगे, चाहे सारा देश लुट जाए, चाहे देश बर्बाद हो जाए। और हम ये कहते, कौन सी मस्जिद? मस्जिदें जो इंडिया में है, जो मस्जिदें इंडिया में है क्यों नहीं किया? अच्छा चलो मान लिया, शांत रहो सुन लो, मान लिया। अरे सुन तो लो भैया, सुन लो, दिल्ली में शाहीन बाग में बैठे थे ना, सब बैठे थे वहां, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं चले गए थे नहीं। अभी एक आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि अतीक अहमद को मार दिया, कानून व्यवस्था ने ठीक नहीं किया। रतनलाल का हाथ काटा था ना, गोली मार दी थी रतनलाल को ही। दिल्ली में शाहीन बाग का जब दंगा हुआ था तब कौन सा बजरंग दल का कार्यकर्ता वहां पहुंच गया था? नहीं हुआ।
कौन पहुंच गया था वहाँ पे? ये सब एक समुदाय से शुरुआत होती है। हिंदू पहले तलवार नहीं उठाता है, ये बात गांठ बांध लो। आप प्रूफ कीजिए इनके सामने। मैं वही प्रूफ कर रहा हूँ, बिहार में नहीं देखी आपने तलवारें रोड पे? पिछले साल 14 अप्रैल पे जहाँ की निकल रही थी शनि मंदिर के सामने खुली तलवार रहती घोड़ा में, और दो जगह इन्होंने उपद्रव पूरी करने की कोशिश तैयारी थी, फिर भी बच निकले। आपने एक बस से भाई अभी एक भैया थे यहाँ पे अंदर ही बैठे थे, वो कह रहे थे कि 70 साल से हिंदू कभी खतरे में नहीं हुआ, अब कैसे खतरे में आ गया। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, वहाँ पे पेलम्बरुल जिला है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ का गांव का नाम नहीं मालूम, वहाँ पे बस 70% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। अभी उन्होंने साफ कह दिया कि मंदिरों से भगवा कलर हटा दिया जाए, इनके माइक उतरवा दिए जाए, घंटे उतरवा दिए जाए, हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। वहाँ की सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि मंदिरों को हरे रंग कर दो और वहाँ के माइक को हटा दो। वहाँ पे कोर्ट को आना पड़ा, कोर्ट ने, मद्रास कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कि ये चीज़ गलत है, तब जाके रुकी है। और ये डीएमके की सरकार के साथ हाथ में हाथ मायावती, ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी कि हम सबों को मोदी को हटाना है, सब एक हो जाएं। भाई जब कुत्ते बिल्ली सुअर एक जगह खड़े होंगे तो दूसरी जगह तो शेर ही होगा ना, वो वीडियो वायरल हो रहा है इस समय खूब तगड़ा। ये बात सच है कि शेर से तो सब डर ही रहे हैं, अब कुत्ते गीदड़ बिल्ली सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो यही हाल है, सब इकट्ठे होंगे। अच्छा ममता बनर्जी ने भी आधा किया था कि मुस्लिम, अंकल जी प्लीज, मैं एक सेकंड आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं आपके पास। ममता बनर्जी ने आगा किया था कि मुस्लिम इलाकों से यात्रा नहीं गुजारी जाएगी, तो ये इलाके जो है ये क्यों बनाते हैं? जैसे आपने एग्जांपल दिया कि 70% आबादी मुस्लिम है, तो उन्होंने रोक लगाने की मांग की, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, तो ये इलाके जो बांटते हैं विपक्ष कर रही है या फिर कौन कर रहा है? मेरे को एक भी हिंदूवादी वो बताओ कि किसी लोग ने कहा हो कि यहाँ हमारा मंदिर है, यहाँ से मस्जिद की मुहर्रम की रैलियाँ नहीं जाएंगी, ठीक है, आज तक कहीं नहीं हुआ, ठीक। और ममता बनर्जी की बात बता रहे हो, अभी ये नवरात्र जब चल रहे थे वहाँ पे मंदिर में दुर्गा मूर्ति तोड़ी गई है, हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी गई है, दुर्गा मूर्ति के जो कपड़े थे उनके वस्त्र तोड़ के पता नहीं अभद्र वो कही गई हैं, ये सब पूरा प्रूफ है। न्यूज़ देखो ना, न्यूज़ देखेंगे नहीं? और न्यूज़ वाले अगर दिखाएंगे जैसे आप दिखा रहे हो तो कहेंगे कि नहीं ये तो बीजेपी के दलाल है। सर आप कहेंगे कि मीडिया बिकी हुई है, आप कहेंगे कि कोर्ट बिका हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट बिका हुआ है, सब कुछ इस ईवीएम भी नहीं कही है। आज वो देश की ज्वलंत मुद्दों पर कोई भी आज कुछ दिखा खबर दिखाने को तैयार नहीं है। एक ही बात है, अतीक अहमद पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान गुड्डे में घुट जाओ, पाकिस्तान में आग लग जाओ भाई, हमें पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात नहीं करते। आपने कहा सर कभी बात नहीं करते, मेरी बात सुन लीजिए। आपने सर सुन लीजिए, आपने कहा ईवीएम बीजेपी की है, पुलिस बीजेपी की है, कोर्ट बीजेपी का है, तो चुनाव क्यों करते हैं फिर? आम आदमी पार्टी चुनावी क्यों लड़ रही है जब सब कुछ इन्हीं का है? आम आदमी पार्टी को पता है बीजेपी जीतेगी, तो फिर चुनाव क्यों? जिस दिन ये घोषणा हो जाएगी लोकतंत्र खत्म हो गया, हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, संविधान खत्म हो गया, हो सके ना लड़े। अभी उनको उम्मीद है कि लोकतंत्र अभी है थोड़ा बहुत।